बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स मी मुजम्मिल रऊफ खान फ्रॉम द फिज़िक्स डिपार्टमेंट एट द क्रिएटिव चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी कोटद्दू। माई डियर, एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 3, दैट इज़ डायनामिक्स। द वेरी लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अ लिटिल बिट रिव्यू ऑफ दैट लेक्चर इज, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर न्यू टॉपिक, दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडीज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये भी न्यूटन्स की जो लॉज हैं उसी को फॉलो करता है, उसी के हवाले से हमने इसको आगे लेके चलना है। अब हमारा जो टॉपिक है, दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि दो अजसाम जो कि अमूदन नीचे की जाने हरकत कर रहे हों, उनके अंदर जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक पुली है, उस पुली को हमने एक रिजिड बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है। वहाँ पर दो मासेस जो हैं हम लोगों ने अटैच किए हुए हैं, एक है M1, एक है M2। जब इन दोनों मासेस को हमने अटैच किया हुआ है पुली पर से, इस तरह से देखते हैं कि दोनों मैसेज एक ही पॉइंट पर, यानी एक मैस यहाँ पर है, दूसरा मैस यहाँ पर है। जैसे ही उनको हम रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने पर जो हमारे पास जिसका मैस ज़्यादा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और जिसका मैस कम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब जो हमारे पास जिसका मैस कम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और जिसका मैस ज़्यादा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। दोनों के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दोनों मैसेज के अंदर जो डिफरेंस है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर डिफरेंस होने पर उनकी जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब मैस M1 है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, मैस M2 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं। जब दोनों किसी एक पॉइंट पर रुकते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है? अभी टेंशन, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो होती है वो सेम होती है M1 के अंदर भी और M2 के अंदर भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अभी उनकी जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स हमारे पास कितनी पाई जाती है? अभी नेट फोर्स क्या थी हमारे पास? F=ma, दैट इज अ नेट फोर्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F=ma, F हमारे पास नेट फोर्स है, M हमारे पास मैस है, और A हमारे पास एक्सेलरेशन है। जब हम बात करते हैं दो मैसेज की M1 और M2 के लिहाज से, दोनों मैसेज की हमने नेट फोर्स देखनी है। यहाँ पर नेट फोर्स में, नेट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेज का मजमुआ होते हैं। अब F में हमारे पास, जो हमारे पास M1 है, उसकी जब हम नेट फोर्स देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक है वेट, वेट फोर्स की सूरत में आ रहा है, दूसरी है टेंशन, वो भी फोर्स की सूरत में आ रही है। दोनों हमारे पास फोर्सेस हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है और जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करने पर वेट की जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है, दैट इज W=mg, अगर हम M1 मास लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? W=m1g। अब यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स हमने देखनी है। नेट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस होती है, तमाम फोर्सेस का मजमुआ होती है। इस वजह से तमाम फोर्सेस को हमने क्या करना है? सम अप देखना है। अब जब हम सम अप देखते हैं तो दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में अमल कर रही होती है, यानी जिस तरह से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है, टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करती है, तो उनको हमने ऐड कर देना था। या जिस तरह से टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रही है, वेट भी अपवर्ड डायरेक्शन में अमल करता, तब भी हमने इनको ऐड कर देना था। अब यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने पर ये आपस में ऐड नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कम वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू हमारे पास बचेगी उसे हम क्या बोलते हैं? नेट फोर्स। अब दो फोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी? एक है वेट की सूरत में, दूसरी हमारे पास है अभी टेंशन की सूरत में। वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1A, इनकी इक्वेशन हम बना रहे हैं अभी। वेट माइनस टेंशन क्यों लिया? क्योंकि वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है, ज़मीन के नज़दीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि टेंशन कम होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होने पर वेट उसका बढ़ जाता है, टेंशन उसकी कम होती है। डब्ल्यू माइनस टी कर दिया तो ये हमारे पास नेट फोर्स होगी, इज इक्वल टू M1A वैसे का वैसे। अब देखते हैं अभी वेट हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज M1g माइनस टी वैसे का वैसे इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी लिहाज से हम क्या देखते हैं अभी? दूसरा जो मास है उसकी हम नेट फोर्स देखते हैं। दूसरे मास में भी सेम हम यही चीज़ देखते हैं अभी। यहाँ पर भी उसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहा है, टेंशन जो है अपवर्ड है, दो फोर्सेज अमल कर रही हैं। तो नेट फोर्सेज का मैंने अभी आपको बताया कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज होती है। अब
तमाम फोर्सेस का मजमुआ जब हम देखते हैं उनको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपवर्ड सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, इसलिए उसमें से माइनस कर देंगे। अब हमने देखना है कि इनमें ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, वेट है या टेंशन है। चूँकि इस ऑब्जेक्ट का मास कम है, ये ज़मीन की तरफ कम है, इस वजह से इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम पाया जाता है, टेंशन ज़्यादा होती है, तो टेंशन में से वेट जो है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगी उसकी नेट फोर्स आ जाएगी, यानी टी माइनस W इज इक्वल टू एम टू ए के। अब टेंशन माइनस W हमारे पास किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर एम टू मास है, इसके लिहाज से ये भी W इज इक्वल टू एम टू जी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, टी इज इक्वल टू सॉरी टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, दो इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ से इन इक्वेशंस की मदद से हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको हम ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, अब हमारे पास दो जो इक्वेशंस हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी भी, एम वन जी माइनस टी है फर्स्ट इक्वेशन की, एम वन जी माइनस टी हो गया, अभी सेकेंड की है प्लस टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एम वन ए प्लस एम टू ए। अब माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या रह गया, एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं अभी कौन सी चीज़ें कामन है हमारे पास, एम वन जी माइनस एम टू जी, दोनों में जी कामन है, जी को कामन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एम वन माइनस एम टू इन टू जी, यहाँ पर ए कामन आ रहा है तो क्या लेंगे, एम वन प्लस एम टू इन टू ए के भी। अब हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन, दूसरी लेनी है टेंशन। यहाँ पर चूंकि टेंशन इलेमिनेट होगी एक्सेलरेशन रह गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एम वन प्लस एम टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा अभी, एम वन माइनस एम टू इन टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के। जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तब हमने ये फार्मूला लगाना है। अब जब हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तब हम क्या करते हैं, अभी ये वैल्यू जो यहाँ पर मौजूद है इसको हम दूसरे साइड पे लेके जाते हैं, यानी जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू ए ओवर ये वैल्यू यहाँ से दूसरे साइड पे जब जाएगी डिवाइड हो जाएगी एम वन माइनस एम टू दैट इज एट वुड मशीन, इससे हम बोल रहे होते हैं अभी एट वुड मशीन। एट वुड मशीन क्या होती है, अभी ये दो अनइक्वल मैसेज के दरमियान हमारे पास जो दो अनइक्वल मैसेज होते हैं पुली पर से गुजर रहे होते हैं, समटाइम्स क्या करते हैं अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम एडवर्ड मशीन बोलते हैं। जब हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा समटाइम्स, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। जब हमने एक्सेलरेशन जनरली जो हम फाइंड कर रहे होते हैं एक्सेलरेशन दैट इज ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इन टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर या क्वेश्चन नंबर टू के अंदर, तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, टेंशन हमने फाइंड कर लेनी है उसकी मदद से। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर टू के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू। अब हमारे पास इक्वेशन टू क्या है, टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए है, अभी एम टू वैसे का वैसे ए की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या है एम वन माइनस एम टू इन टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको दोबारा से देखिए, टी माइनस एम टू जी वैसे का वैसे इज इक्वल टू एम टू ए है, एम टू वैसे का वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की है एम वन माइनस एम टू इंटू जी, एम वन माइनस एम टू इंटू जी और एम वन प्लस एम टू, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू जो है पुट कर दी है। अब हमने चूंकि टेंशन फाइंड करनी है इसलिए इसको मजीद एक्सपेंड करते हैं, टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर एम टू एम वन हो जाएगा, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा अभी एम वन माइनस सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम वन एम टू प्लस माइनस माइनस, अब ये भी M2 है ये भी M2 है, मैथ के एक स्कूल है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर 1 है, जो हम राइट नहीं कर रहे हैं रीड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा M2 स्केयर, M2 स्केयर इन टू जी ओवर
एम वन प्लस एम टू। अब टी माइनस एम टू जी वैसे का वैसे, अब जी को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, क्या हो जाएगा भाई, एम वन एम टू जी माइनस एम टू स्केयर जी ओवर एम वन प्लस एम टू। चूँकि हमने टी फाइंड करना है, एम टू जी यहाँ पर माइनस क्या है उसे दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ से इसको हमने ख़त्म करना है। तो टी इज इक्वल टू एम वन एम टू जी माइनस एम टू स्केयर जी ओवर एम वन प्लस एम टू, माइनस का था यहाँ पर एम टू जी, इधर जाके प्लस हो जाएगा एम टू जी ओवर वन। अब टी इज इक्वल टू इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, एम वन प्लस एम टू एलसीएम आ गया, एम वन प्लस एम टू से एम वन प्लस एम टू कैंसिल हो गया, वन रह जाता है, वन को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, यानी एम वन एम टू जी माइनस एम टू स्केयर जी प्लस इनटू अब वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये वैल्यू रह जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगी एम टू जी के साथ, यानी एम टू जी इंटू एम वन प्लस एम टू। नेक्स्ट इसे देखते हैं अभी, एम वन एम टू जी माइनस एम टू स्केयर जी प्लस एम टू जी जो है एम वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एम टू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एम वन एम टू जी अगर इसमें अरेंज करके लिखता हूँ एम टू जी इंटू एम वन हो जाता है, अगर इसको अरेंज करके लिखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाता है अभी, एम वन जब एम टू जी के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एम वन एम टू जी प्लस 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 हो जाएगा अभी, ये भी एम टू है ये भी एम टू है, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर वन है इसकी पावर वन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, एम टू स्केयर जी ओवर एम वन प्लस एम टू। यहाँ पर माइनस एम टू स्केयर जी है, यहाँ पर प्लस एम टू स्केयर जी है, आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा अभी, एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों वैल्यूज सेम है, इनके कोफिशियंट ऐड हो जाएंगे, इसको कोफिशियंट भी वन है इसको कोफिशियंट भी वन है, तो हमारे पास क्या रह जाता है अभी, टू एम वन एम टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू। दैट इज द फार्मूला टू फाइंड द टेंशन। अब हमने देखा कि हमारे पास एक पुली है, उस पर से दो मैसेस जो हैं वो हैंग्ड हैं, एक M1 है एक M2 है, M1 का मैस ज़्यादा होने पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, M2 का मैस कम होने पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, दोनों के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी मदद से हमने इसकी नेट फोर्स देखी F इज इक्वल टू एम में, तो वहाँ से इसको हमने ड्राइव किया, उसकी मदद से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, एटवुड मशीन का फार्मूला यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो फाइंड किया, उसके बाद हमने जो है उसकी टेंशन जो है वो फाइंड की है। थैंक यू सो मच।